So welcome back, friends. Today we are discussing about the vascular bundle and types of vascular bundle. तो उससे पहले हम ये जान लें कि vascular bundle होते क्या हैं. जो vascular bundle होते हैं, vascular bundles plants में पाए जाते हैं और इनका जो main काम होता है a part of transport system means plant के अंदर water and food का conduction करते हैं. water and food का conduction जो होता है vascular bundles के द्वारा होता है. जो vascular bundle होते हैं ये 3 types के होते हैं. आज जो हम mainly topic लिए हैं वैस्कुलर बंडल, इसको कैसे याद रखें, सबसे बड़ा टॉप इसका जो मुद्दा है कि हम इसको याद कैसे करें और ये कितने टाइप के, इसको इजीली याद करने की ट्रिक्स भी हम बताएंगे. तो पहला जो होता है वैस्कुलर बंडल, रेडियल जो वैस्कुलर बंडल होता है इजीली हम याद रख सकते हैं. इसका एग्जांपल है रूट, और रूट में ये रूट है. इस रूट में ये जाइलम और फ्लोएम डिफरेंट रेडियाई पर प्रेजेंट होते हैं. अगर ये जाइलम है रेडियाई, एक रेडियाई तो इसकी जाइलम की हो गई, और जो दूसरी होती है फ्लोएम की. दीज आर द फ्लोएम्स. सेपरेटली रेडियस पर प्रेजेंट होते हैं और अलग अलग होते हैं, जाइलम अलग और फ्लोएम अलग. तो ये एग्जांपल हो गया रूट का, और इसमें भी ये मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों में ही, मोनोकॉट के रूट में और डाइकॉट के रूट में पाए जाते हैं रेडियल वैस्कुलर बंडल. दूसरा आता है कंजॉइंट. जो कंजॉइंट होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं, कोलेटरल और दूसरा आता है बाइकोलेटरल. जो कोलेटरल होता है ये 2 टाइप के होते हैं. कोलेटरल 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से? या तो ये ओपन होगा या तो ये क्लोज होगा. याद कैसे करेंगे? ये जाइलम है और ये फ्लोएम है. जाइलम और फ्लोएम बीच में कैम्बियम से सेपरेट नहीं है तो ये कहलाता है क्लोज. और अगर इसके बीच में कैम्बियम आ जाए, जैसे ये एक आ गया कैम्बियम, ये जाइलम और ये फ्लोएम, तो बीच में कैम्बियम आने की वजह से इस ये हो जाता है ओपन. अब याद कैसे रखेंगे ओपन और क्लोज? अगर हमारे बीच में कोई दो लोगों के बीच में कोई बात है, एक मैं हूँ एक आप हैं, आप और मेरे बीच में कोई बात है, हमारे बीच में कोई तीसरा पर्सन नहीं है, तो बात क्लोज है. और जैसे ही इस बीच में तीसरा पर्सन आ गया तो बात ओपन हो जाती है. तो ये हम ऐसे याद कर सकते हैं. बात आती है कोलेटरल कहाँ पाया जाता है, तो मैं आपको बता दूं, एक ब्रांच है CMS लखनऊ, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल लखनऊ में इसकी ब्रांच है. लखनऊ में क्या हर जगह होती है, तो उसी स्कूल के नाम से हमने याद किया. सी फॉर कोलेटरल, कंजॉइंट, सी फॉर कंजॉइंट, सी फॉर क्लोज. कोलेटरल कंजॉइंट क्लोज अगर ये पाया जाता है तो इसका एग्जांपल होता है मोनोकॉट का स्टेम एंड उसकी लीफ. मोनोकॉट स्टेम और लीफ में पाया जाता है कोलेटरल कंजॉइंट क्लोज. बात आती है अगर ये ओपन हो जाए तो, क्लोज ना होके ये ओपन हो जाए तो इसका एग्जांपल होता है सनफ्लावर,
सन फ्लावर स्टेम। और अगर बायकोलेटरल की बात करें तो बायकोलेटरल जो होता है इसमें इसके बोथ साइड फ्लोएम होता है और बीच में जाइलम होता है। मींस इसमें दो कैम्बियम पाए जाते हैं, एक कैम्बियम ये और एक कैम्बियम ये। इसमें दो कैम्बियम होते हैं, बोथ साइड फ्लोएम होता है और बीच में जाइलम होता है। तो इसका बेनिफिट क्या होता है, अगर किसी प्लांट में बायकोलेटरल वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट है तो हम उसके अगर आउटर सरफेस को हटा दें, सपोज दैट हमने यहाँ से इसको रिमूव कर दिया, तो ये वाला पोर्शन यहाँ से रिमूव हो जाएगा बट ये वाला पोर्शन बचा। तो प्लांट में जाइलम भी है और फ्लोएम भी है, तो जाइलम से वाटर का कंडक्शन होगा, फ्लोएम से फूड का कंडक्शन हो जाएगा। मीन्स अपर लेयर हटाने से प्लांट मरेगा नहीं, बचा रहेगा। बट अगर कोलेट्रल है तो आपने फ्लोएम को हटा दिया तो प्लांट में फूड कंडक्शन नहीं हो पाएगा और कुछ दिन बाद प्लांट की डेथ हो जाएगी। तो बायकोलेटर के एग्जांपल हमें याद करने, वो कैसे याद करेंगे, बी एस सी ईजली, बी एस सी से बी फॉर बायकोलेटर और एस फॉर, अब इसके एग्जांपल एस फॉर सोलेनेसी एंड कुकरबिटेसी तो सोलेनेसी और कुकरबिटेसी एग्जांपल हो जाते हैं बायकोलेटरल के। तो फर्स्ट टाइप रेडियल, दूसरा कंज्वाइंट और तीसरा हमारे पास आता है कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक को याद करने की ट्रिक। तो फ्रेंड्स जो कंसेंट्रिक पढ़ने हम जा रहे हैं, तीसरा टाइप है इसका कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक दो टाइप के होते हैं। कंसेंट्रिक का जो पहला टाइप होता है उसको कहते हैं एम्फीवेसल एम्फीवेसल और इसका दूसरा नाम होता है लेप्टोसेंट्रिक। मींस इसके नाम से ही पता चल रहा है, एम्फीवेसल बोथ साइड वेसल्स मतलब जाइलम, अगर अंदर फ्लोएम और बाहर की तरफ बोथ साइड चारों तरफ इसके जाइलम, दिस इज द फ्लोएम एंड और बाहर साइड ये बाहर साइड जाइलम, द जाइलम एंड फ्लोएम। एग्जांपल इसके याद करेंगे डे फॉर मीन्स, इसका एग्जाम्पल है ड्रेसिना एंड वाई फॉर यक्का। इन दोनों प्लांट में पाया जाता है। कंसेंट्रिक का पहला टाइप एम्फी वेसल, इसको लेप्टोसेंट्रिक कहते हैं, और ए फॉर मीन्स होता है एम्फी वेसल। अगर एम्फी वेसल की बात करें तो ड्रेसिना और यक्का में पाया जाता है। दूसरा इसका टाइप आता है एम्फीक्राइवल, ए और बी ये आता है एम्फीक्राइवल, इसका दूसरा नाम होता है हेड्रोसेंट्रिक। इसमें जाइलम चारों तरफ था, इसमें क्या हो जाएगा, फ्लोएम चारों तरफ हो जाएगा और बीच में जाइलम आ जाता है, बीच में आ गया जाइलम, बाहर की तरफ फ्लोएम अंदर की तरफ जाइलम। इसके दो एग्जांपल हैं टेरिडोफाइटा और इसका दूसरा एग्जांपल आता है हाइड्रिला। टेरिडोफाइटा में भी स्पेशली अगर बात करें तो राइजोमा ऑफ फर्न
फन के राइजोम में पाए जाते हैं। तो ये थे हमारे वैस्कुलर बंडल और उनसे रिलेटेड एग्जांपल्स। तो होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।